वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री का संबोधन वो लोग सुने। सिमलर गरीब कल्याण सम्मिलन प्रधानमंत्री दस कोटि कृषक एकुश हजार कोटी टकार सहार्य सिमलार भिडिओ कन्फारेसिंग जुगे देशर विभिन्न प्रान कृषक वार्तालाप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिमलत अनुषित गरीब कल्याण सम्मिलन अंश नरेन्द्र मोदी मुक्ति करें पीएम किसान सम्मान निधि अधीन देशर दस कोटिरो अधिक कृषक एकुश हजार कोटी टकार सहार्य। एक समय था जब छत की कमी से जूझते परिवार धूप बारिश सहन करने के लिए मजबूर थे। पानी के लिए महिलाओं का संघर्ष और लंबी कतारें किसी से छिपी नहीं थी। करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री आँचनी घोषणा करार निर्धारित कृषक बैंक एकाउंट जमा धनराशि जिले से गरीब कल्याण सम्मिलन देशर कृषक उद्देश्य दिया भाषण प्रधानमंत्री देशर 130 कोटी जनतार आशीर्वाद काम करे उल्लेख कर। अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है। लक्षाधिक उपस्थित अनुषित सम्मिलन प्रधानमंत्री मंतव्य देशर 130 कोटी जनता मोर सको 130 करोड़ देशवासियों का परिवार यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में, आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। इफाले राज्य सरकार उद्योग विभिन्न प्रांतों गरीब कल्याण सम्मिलन आयोजन कर नाजिरार गड़गांव महाविद्यालय खेलपथारत उपलक्षे आयोजित अनुष्ठान अंश लय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा अनुष्ठान दिया भाषण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाबे भारत आज भूता तरार दरे जिलिकी आछे बुली मंतव्य करे मुख्यमंत्री। कोविडर समय जदि प्रधानमंत्री मोदी डांगरियाय आमाक जदि चाउलर जोगान निदिले हेतेन बिनामूलिया कय वैक्सीन निदिले हेतेन आमार भारत खन शेष होय गल हेतेन किन्तु मोदी डांगरियार सबल नेतृत्वर कारणे आदि आमी भारत खन एटा उज्जवल भूता तरार दरे আমি জিলিকি থাকিব পাৰিলো। প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমীয়া জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা চলাই আহা বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক বিশ্বৰ বৰসভালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে সঘনাই চেষ্টা কৰি থাকে। এই অনুষ্ঠানতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হয় চেক। ব্যুরো ইনপুটর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট DY365।